हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक रूमर जो आपका इंडिया में फैल रहा है वो ये है कि पबजी जो बहुत ही पॉपुलर गेम है वो जो है बैंड हो चुका है इंडिया में, चाइना में और अदर कंट्री में जो है बैंड होता चला गया। तो आज जानेंगे क्या ये रूमर सही है या सिर्फ एक रूमर है, प्लस जानेंगे लीगल स्टेटस पबजी का कि पबजी खेलने से सच में आपको सज़ा हो सकती है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पेड लीगल एडवाइस चाहिए तो मेरे को मेल करें khanneman527@gmail.com पे, और फ्री लीगल एडवाइस के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देखिए, पबजी जो है बहुत ही पॉपुलर गेम है, लॉन्च होते ही वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के बीच में जो है पॉपुलर हुआ था और 2018 का जो है वो बेस्ट गेम रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो रूमर पहला है आपका, पबजी चाइना में बैंड है, पबजी इंडिया में बैंड है, तो ये रियल है या ये फेक है। देखिए, चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना में जो है आपका पबजी का पीसी वर्जन जो है वो बैंड है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसकी जो VFX इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जब आप किसी पर्सन को मर्डर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो एकदम ही रियल लगता है, मीन्स जैसे रियल में होना चाहिए वो चीज़ वैसे ही लगती है, तो वो काफ़ी सेंसिबल होती है ब्रेन के लिए। इसी वजह से जो है पबजी का पीसी वर्जन जो है बैंड किया गया है चाइना में, लेकिन अदर वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं इंडिया में जो रूमर फैल रहा है कि पबजी बैंड हो चुका है, इसके ऊपर जो है ये सही है या ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। तो देखिए, ये जो है ये पार्शली सच है, पार्शली झूठ है। पार्शली इसलिए है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में अभी तक बैंड ऐसा कुछ नहीं लगा है, कुछ सिटीज़ में ऐसे बैंड लगे हैं, कुछ जगहों पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पबजी पे बैंड है। NCPCR मीन्स आपका जो होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने जो है सारे स्टेट्स को लेटर सेंड किए जिसमें उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है उनसे कि इस पे जो है पबजी पे पूरे इंडिया पे जो है बैंड लगाया जाए, हर स्टेट जो है पबजी पे बैंड लगाता चला जाए। और पबजी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, मीन्स पबजी खेलने से आपको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसको जो है जाँच की जाए और जितनी जल्दी हो सके बैंड लगा दी जाए पूरे इंडिया में। इसके बेसिस पे जो है आपका महाराष्ट्र में ये देखा गया है कि महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे पबजी जो है बैंड है, मीन्स पबजी का जो सर्वर है महाराष्ट्र कॉलेज में वो बैंड है, आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जब लेक्चर के दौरान बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये देखा गया है कि वो जो है मोबाइल निकाल के पबजी खेलने लगते थे, इसी वजह से जो है अथॉरिटी ने डिसीजन लिया और सारे कॉलेजेस में जो है पबजी बैंड कर दिया गया इस पबजी का सर्वर को। लेकिन ये महाराष्ट्र में बैंड नहीं है, सिर्फ उनके कॉलेजेस में बैंड है। अब बात की जाए फुल्ली बैंड की कौन से सिटीज में या स्टेट में, तो वो है आपकी गुजरात में। गुजरात में जो है आपका पबजी फुल्ली इस वक्त में बैंड है, गुजरात के कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने जो है पबजी खेलने पर बैंड लगा दिया, पबजी और मोमो गेम। मोमो गेम जबकि सुसाइड गेम है और पबजी एक खाली जो है आपका वॉर गेम है, इन दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। मोमो गेम जो है वो एग्जैक्टली एग्जिट करता भी है या नहीं ये मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई देखा नहीं गया कि मोमो गेम रियलिटी में है या नहीं, लेकिन फिलहाल इस पे एक जो है बैंड लगा हुआ है और इसके साथ ही जो है अब पबजी पे भी बैंड लगा दिया गया है। और इसके बैंड लगाने के बाद ही जो है राजकोट पुलिस ने जो है काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया था, अभी रिसेंटली जो है 8 लोगों को और अरेस्ट किया गया है अहमदाबाद में, हिम्मतनगर में, जिनमें से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे और कुछ जो है मिडिल एज के लोग थे, उन लोगों को रैंक हेडेडली जो है आपका अरेस्ट किया गया और इन सभी लोगों को जो है हिरासत में लेके कोर्ट भेजा गया, जहां पे उनको बाद में जमानत मिल गई है, लेकिन उनके ऊपर अब क्रिमिनल एक केस चल रहा है अंडर सेक्शन IPC 188 and 35 ऑफ राजकोट पुलिस एक्ट। मीन्स जो आपका सेक्शन 188 होता है वो ये कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपको कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको अगर डिसोबे करते हैं तो आप जो है एक क्राइम कर रहे हैं और आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस चलेगा। तो इसी जो है बेसिस पे जो है लोगों के ऊपर जो है क्रिमिनल केस चल रहे हैं और लोगों को जो है गुजरात में अरेस्ट किया जा रहा है पब्लिक पबजी खेलते हुए। तो ये थी रियलिटी पबजी गेम के लिए। अब बात करते हैं कि पबजी के जो ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, उन्होंने जो स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये कंसर्न अपना जाहिर किया है कि वो काफ़ी शॉक्ड है, काफ़ी सरप्राइज है ये देख के कि कुछ लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ सिटीज़ में जो है बैंड लगा रखा है पबजीज पे और पबजी खेलने पे जो है लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। वो जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस लीगल बेसिस पे जो है पबजी को बैंड किया गया है, प्लस वो जल्द से जल्द जो है लोकल अथॉरिटीज़ से बात करेंगे, अपने ऑब्जेक्शन
जाहिर करेंगे ताकि ये बैन को हटा सके, हटवा दिया जाए। और उन्होंने जो है जितने भी पबजी के जो प्लेयर्स हैं उनको ये जो है विश्वास दिलाया कि वो इन्हीं के साथ हैं और वो जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब देखना ये रहेगा कि फ्यूचर में जो है आने वाले वक्त में क्या अदर सिटीज़ में जो है पबजी बैंड होता चला जाएगा, या पबजी जो है गुजरात में जो बैंड है या महाराष्ट्र में जो बैंड है उसको हटा दिया जाएगा। तो देखना ये रहेगा। अब फिलहाल मेरी एडवाइस की बात करें तो देखिए मेरी एडवाइस यही रहेगी जितने भी पबजी प्लेयर्स हैं कि आप कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के समय आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपको, आपके परिवार को या किसी भी अदर पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को कोई नुकसान ना पहुंचे जब आप गेम खेल रहे हों। प्लस इसके साथ ही आपके अगर सिटीज़ में ये पबजी फ्यूचर में बैंड होता है या आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप इस गेम को ना खेलें, क्योंकि आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन IPC 188 के तहत केस हो सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो आप जो है जितना हो सके अपने आप को सेफ करें, ये फिलहाल एक गेम ही है, इतना सीरियस ना हो उसके लिए। अब जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको जो है ये नॉलेज मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ जो है अगर आपको पेड लीगल एडवाइस चाहिए तो मेरे को मेल करें khanraman527@gmail.com पे। आज के लिए थैंक यू।